एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट्स बाय स्निग्धा। एंड मैं हूँ स्निग्धा, एंड इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन आई एम स्निग्धा। एंड मेरे चैनल पे आपको प्रोडक्ट की रिव्यूज, मेकअप, लाइफस्टाइल, व्लॉग्स, अनबॉक्सिंग, ये सारी चीजें मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड पास में दिया गया बेल बटन भी हिट कर देना ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है दिस नोवा का कर्लर का रिव्यू। एंड इसके साथ मैं अपने बालों को कर्ल कट के भी आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो कर्लर है इसे खरीदे हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं एंड 2 साल से मैं इस कलर को यूज़ कर रही हूँ एंड बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। जैसे कि आप लोग मेरे बालों पे अभी देख सकते हो, मैंने इसी से अपने बालों को कर्ल किया हुआ है। एंड इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इसे मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था लेकिन ये ऑनलाइन भी बहुत सारी जगह पे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, सभी जगह पे ये अवेलेबल है। एंड इसकी जो लिंक्स होंगे ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो इसे मैंने ख़रीदा था अप्रॉक्स 180 या फिर 190 रुपीज़ में। तो चलिए बातें ना करते हुए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं। सो ये प्रोडक्ट जो है इस तरह से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको रिसीव होगा एंड जहाँ पर मेंशन किया गया है नोवा एंड इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। मॉडल नंबर AIO16B इसमें मेंशन किया गया है एंड यहाँ पर लिखा गया है कि ये प्रोफेशनल कर्लिंग वैंड है। तो चलिए बाकी तो मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, तो खोल के देखते हैं कि इसमें ये कैसे आता है। तो ये तो मैंने 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस तरह से इसे ओपन कर रही हूँ। बाय द वे इसके अंदर होता है एक बबल रैप जिसमें ये प्रोडक्ट आपको रिसीव होगा एंड ये इसका इस तरह का है, पर्पल इन कलर में है इसका जो हैंडल है एंड ये प्लास्टिक का है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्विच है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने कलर को। एंड यहाँ पर दिया गया है कोम एंड इसकी जो तो ये इसकी जो कॉर्ड की लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, अप्रॉक्स 1 मीटर तक इसका लेंथ होगा। एंड सामने दिया गया है इस तरह का 2 पिन प्लग जिसे आप इसी भी इजीली कहीं पे भी अटैच कर सकते हो। एंड ये वाला जो पार्ट है इसे आप कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हो अपने कर्लर को। एंड ये वाला जो पार्ट है वो भी 360 डिग्री रोटेट होता है जिसकी वजह से आपको कर्लिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। एंड यहाँ पर दिया गया है स्विच जिसे आप ऑन ऑफ करके इसकी ये जो कर्लर है इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड ये रेड लाइट यहाँ पर एक ब्लिंक होता है, यह है इसका स्टैंड, इसे आप स्टैंड करना हो तो इस तरह से आप स्टैंड कर। सो इसका जो ये वाला पार्ट है जो कि मेन कर्लिंग रॉड है उसकी जो लेंथ है वो मेरे हाथ हैंड के साइज का है। तो चलिए मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ कि मैंने इससे अपने बालों को कैसे कर्ल किया हुआ।
सो ये था मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू. आप लोगों ने देखा मैंने इसको यूज़ करते हुए अपने बालों को जो है कर्ल किया. एंड इस ये मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद ना मुझे अभी दूसरे किसी भी कर्लिंग रॉड की आयरन की ज़रूरत महसूस नहीं होती है. जब तक ये चलेगा मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ. आफ्टर दैट ये जब ख़राब हो जाएगा तो मैं दूसरे किसी कर्लिंग रॉड के ऊपर आगे बढ़ूंगी. अदरवाइज ये प्रोडक्ट बिल्कुल वर्थ बाइंग है. बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट. मिनी टूल है लेकिन वर्थ बाइंग है. बहुत ही अच्छा है. तो अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना. मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा एंड पसंद आया आप लोगों को तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.